फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लहसुन इसको पानी में ग्रो करना और उसके बाद हम इसको अपने पोट में या अपने कैरी बैग में कहीं पे भी इसको लगा लेंगे और हमारे पास लहसुन की जो ऊपर कलियां बनती हैं वो भी हम यूज़ में ले लेंगे ताकि चटनी और साग वगैरह में डालने के काम आ जाएंगी। तो अब हम इसको पानी में रखते हैं और देखते हैं कि कितने दिन बाद इसकी ग्रोथ होती है। बोतल को ऐसे काट लिया और इसमें हम फ्रेंड्स, मैंने ये फ्रूटी की बोतल ली है, ये बिल्कुल सही कट गई है क्योंकि यहाँ से अगर काटते हैं तो ये बड़ा रह जाता है हिस्सा, तो इसके लिए हमें या तो पिन लगाना पड़ेगा या सेलो टेप किसी से भी इसको टाइट करना पड़ेगा। अभी ऐसे रख के इसको नीचे पानी भर देंगे, ऊपर हम लहसुन रख देंगे। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये पानी डाल के हमने बिल्कुल उतना ही पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना, ओनली इसकी रूट्स भीगने वाली हों। ऐसे करके मैंने कई बॉटल्स तैयार कर ली हैं और इसके साथ आप लहसुन में टूथपिक भी लगा सकते हैं और स्ट्रा भी। मेरे पास स्ट्रा एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने स्ट्रा लगा दी और इसको ऐसे करके सिर्फ ओनली रूट्स हमारी भीगनी चाहिए, सारा लहसुन नहीं भीगना चाहिए। लहसुन अगर भीगेगा तो वो गल जाएगा, ओनली रूट्स हमारी अगर भीगेंगी पानी में होंगी तो वो अपना रूट्स को बढ़ाएंगी। ऐसे करके आप रख दें और हम देखते हैं 4 दिन के बाद इन्होंने कैसी ग्रोथ की है। 3 दिन के बाद इसने ऐसे ग्रोथ करनी शुरू कर दी है, ये तुइया सी निकलनी शुरू हो गई है हमारे यहाँ लहसुन की। तो अब हम इसको तकरीबन 1 सप्ताह तक रखेंगे और उसके बाद जो रूट्स बन जाएंगी तब हम इसको पॉली बैग में या कैरी बैग में और या जमीन में पोट में कहीं भी उनको लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं 8 डेज का ये रिजल्ट है और इसने बहुत अच्छी रूट्स बनाई है हमारे यहाँ लहसुन ने। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और उसके बाद हम ग्रो करेंगे इसको। फ्रेंड्स, ये हमने जो पानी में ग्रोथ की है लहसुन की, अब हम इसकी एक एक कली निकाल के इसको अलग से ग्रो करेंगे। उसके लिए हम सॉयल जो है वो बहुत अच्छी सॉयल लेंगे, बहुत अच्छी का मतलब है कि इसमें बहुत अच्छी खाद डालेंगे। ये गार्डन सॉयल है और इसमें आप मस्टर्ड केक और वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल डीकम्पोस्ट हुआ, और वाटर जो आप पानी देंगे वो आप मस्टर्ड केक का पानी दें या आप काउ डंग का पानी दें। और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी एक मुट्ठी के हिसाब से डाल देंगे, 20% के करीब हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे और 50% हम गार्डन सॉयल। और इस तरह हम सॉयल तैयार करके एक प्लांटर में, मैं कई मेरे पास वो बन गए हैं इसके रूट्स लहसुन के, तो अब हम बहुत ज़्यादा जगह पे लगा देंगे ताकि हमारे घरेलू यूज़ के लिए हम अपने घर पे छत पे ही इसको, इसकी जो हरी हरी लीव्स होती हैं जैसे हमारे हरे ऑनियन की लीव्स होती हैं उसको भी हम चटनी में, और ये जो हम मसाला भूनते हैं अदरक टमाटर और प्याज का, तो उसमें भी आप इसको बीट कर सकते हैं। बीट करके आप इसको आप ऐसे एक एक करके ना आराम से निकाल लें और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसकी ग्रोथ करनी है, कैसे इसको ग्रो करना है ताकि हमारे पास लहसुन जो है हमारे घरेलू यूज के लिए ऑर्गेनिक तरीके से बहुत अच्छी तरह से बन जाए, ताकि हम पहले इसकी लीव्स यूज कर लेंगे और उसके बाद हम जो हमारा ये लहसुन बनेगा उसको हम यूज करेंगे। ऐसे जो हमारी ये
इसको, और ये हमारी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है, इसको ऐसे करके आप ग्राउंड में कहीं भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं कि जो हमने ये ग्रोथ की थी तो नहीं, वैसे लहसुन का जो होती है वो तिकोनी सी होती है, पर ये गोल गोल बनी हुई है। सभी जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं उनको मैं दिखाती हूँ आपको कि इनका ये फायदा है कि जो हमने ये बिल्कुल प्याज की तरह बने हुए हैं लहसुन, और ये ही लहसुन बड़ा होके और गोल गोल बल्ब की तरह बन जाएगा। तो इसको अभी हम हार्वेस्ट करेंगे तकरीबन 10-15 दिन के बाद, ताकि हम ये लीव्स उतार लें और अपने यूज में ले लें। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। हमेशा आप सर्दी के जो भी प्लांट्स हैं उनमें आप सादा पानी ना देके मस्टर्ड केक का पानी या काउडंग का पानी दें। और एक मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, जब भी हम इसकी लीव्स को हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे कैंची के साथ, तो उस टाइम आप थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट, काउडंग या मस्टर्ड केक का पाउडर, आप जो भी चाहें वो मिक्स करके आप दे सकते हैं गार्डन सोयल में, ताकि इनको पोषकता मिलती रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाते रहें। पानी दे देंगे हम इनको। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं 8 दिन हो गए हैं हमारे लहसुन को लगाए हुए, और इसने बहुत अच्छी ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब जब हम इनकी लीव्स तकरीबन 7-8 इंच की हो जाएंगी तब हम इनको कटिंग करके अपने यूज़ में ले लेंगे, और उसके बाद फिर वो नई ग्रोथ ऊपर से ऊपर करते रहते हैं ये प्लांट्स। तो आप जितनी चाहे कटिंग कर लो, तो कटिंग करने के बाद अब फिर हम ये अपनी ग्रोथ कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 मंथ की ग्रोथ है, और इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करनी शुरू कर दी, और मैंने इनकी लीव्स बहुत बार उतार ली हैं, तो आप भी ऐसे उतार लें इनकी लीव्स। और इसी तरह से ये प्याज, आप प्याज देखेंगे अब इनके सीड्स बनने शुरू हो गए हैं, जिसे हम कलौंजी कहते हैं, ये सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। तो ये प्याज, और आप प्याज की भी आप देखेंगे मेरे यहाँ कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है घरेलू यूज़ के लिए, यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह पालक, सरसों का साग, सब कुछ यहाँ मेरी यहाँ लगाया हुआ है। ऐसे करके आप इनको काट लें, और काट के आप घरेलू यूज़ के लिए अपनी किचन में आप इनको ताज़ी ताज़ी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। ये लहसुन उगाने का सबसे आसान तरीका है, और बहुत ही जल्दी इजी ग्रो होता है, और इनकी लीव्स भी हम यूज़ कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो आप इस तरीके से, इस मेथड से आप अपने यहाँ प्याज और लहसुन उगाएं और अपने ज़रूरतों को पूरा करें, अपने किचन की ज़रूरतों को। मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।